नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और मुझे कमेंट मिला है रमेश मोरिया, जो कि मेरा भी नाम रमेश है और उसका भी नाम रमेश है। तो वो लिखते हैं, सर बैंड स्विच अगर हम नहीं बदले, इसे गौर से सुनिएगा, उसका कमेंट बहुत ही अच्छा है। वो लिखे हैं, सर हम बैंड स्विच अगर नहीं बदलेंगे तो जम्फर मार कर के इसको चला सकते हैं। तो देखिए रमेश मौर्या जी, अगर आपकी रेडियो की बैंड स्विच ख़राब है या नहीं तो पकड़ रही है फिर छोड़ रही है, तो इसको क्या करें, तो पिलास से दोनों मुंह को अच्छी तरीके से हल्की सी इसको चाप दे दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। इससे क्या होगा कि ये हिलना बंद हो जाएगा, जिस कारण से आपकी स्टेशन आ जाएगी। और यहाँ भी टूट गई है, देखिए यहाँ भी अगर टूट गई है तो इसको कोई सुई से या कुछ से इसको घिसका करके आप FM बजाना चाहते तो FM में सेलेक्ट कर ले तो ये बजेगा। अगर बिल्कुल ही टूट गई है, अगर किसी कारण से दूसरा नहीं मिल रही है, तो उसको जम्फर मार के चला तो सकते हैं, जैसा कि मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जैसे FM वेव में सेलेक्ट करने के बाद कोई सा पिन से इसका कनेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, यहाँ भी तीन से चार जगह कनेक्ट होंगे। तो इस स्थिति में उसको अंदर की कहाँ कहाँ पीने पे कनेक्ट है वो निकालना बहुत ही मुश्किल है। वो जो है सो डायग्राम से निकल सकता है, किताब से निकल सकता है कि कौन सा पॉइंट को क्या क्या यहाँ पे पॉइंट मिले हुए हैं, जैसा कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो उस हिसाब से इसको अगर जम्फर मारा जाए तो ये बजेंगे, लेकिन उसको बनाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वो बिना किताब से नहीं बनेगा। हाँ, बैंड स्विच के अंदर आप देख सकते हैं कौन कौन सा पॉइंट पे गया हुआ है, लेकिन उसमें बहुत ही बनाने में मगजमारी है। तो जम्फर मार के चलाया तो जा सकता है, लेकिन बहुत ही जो है सो मगजमारी है उसको बनाने में, इसलिए बैंड स्विच ही लगावे अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। तो चलिए आज के वीडियो को बस इतना ही, वीडियो मैं इसके ऊपर भी विस्तार से कभी बनाऊंगा। तो चलिए आज के वीडियो को बस इतना ही।